प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पखवाड़ा के तहत आज बबैण के मुख्य बाजार में पूर्व सांसद कैलाशो सैनी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रोफेसर कैलाशो सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में स्वच्छता अभियान चलाकर बाजार की सफाई की व महिलाओं में बर्तन वितरित किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर लोगों के मनों में स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोफेसर कैलाशो सैनी के नेतृत्व में बाबैण के मुख्य बाजारों में स्वच्छता जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर उन्होंने बाजारों में आ रहे लोगों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक कर उन्हें स्वच्छ और स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। कैलाशो सैनी ने लोगों से कहा कि यदि वे स्वयं स्वच्छ रहेंगे और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो बीमारियां कभी भी उनके पास नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि यदि हमारा आज स्वच्छ होगा तो निश्चित ही है कि हमारा कल और भविष्य भी अवश्य ही सुंदर होगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल बाबैण के पूर्व प्रधान सुरेश कश्यप, रिंकू कश्यप, भीम सिंह, हरपाल सैनी, चंद्रकांता, राकेश कारणा, जोगिंदर सिंह, नरेंद्र वर्मा, राजू, बलबीर सिंह, पवन कुमार, विपिन रावल, सतपाल अरोड़ा के अलावा अनेक महिलाएं भी उपस्थित रही। इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पिछले 15 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस में जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। कहीं मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए गए हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, कहीं पर लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं गरीब लोगों को, कहीं पर गरीब लोगों को बर्तन बांटे गए हैं, खाने पीने की अन्य सूखा अनाज बांटा गया है और हर प्रकार से स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई की ओर ध्यान दिलाने के लिए देश की जनता का और देश का और दुनिया का कि भारतवर्ष कितना स्वच्छता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहा है, इसके लिए हमने जगह जगह झाड़ू लगा करके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के और लोगों को साथ लेकर के इसे एक जन आंदोलन बनाया है और पूरी तरह से अपने अपने शहरों को स्वच्छ करने का रखने का संकल्प लिया है और इन 15 दिनों में जितनी भी स्वच्छता हमसे हो सकी है हमने पूरा जोर लगा करके कराया। उसमें लेडीज को भी साथ लिया, पुरुषों को भी साथ लिया है, दुकानदारों को साथ लिया है, सभी ने इसे एक जन आंदोलन किया। इसी प्रकार ये हर वर्ष मनाया जाया करेगा और साल के बीच में भी हमारी पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम रखा करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को दुनिया के नज़रों में चमकाया है, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र की सीमाएं चारों। खबर हमारे हरियाणा के लिए बाबैण से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।